डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये क्लास फाइव का मैथ है, चैप्टर सेवन, एक्सरसाइज 47। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 और 3। तो इसको अब हम लोग थोड़ा शॉर्ट करके बनाएंगे। यहाँ पे देखिए, ये पॉइंट है, पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो इसका मतलब है कि इसको जब हम पॉइंट हटाएंगे तो ये 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 10 से मल्टीप्लाई होने का मतलब है कि पॉइंट एक बार इधर चला जाएगा। तो हम इसको, इसका पॉइंट हटाते हैं तो पॉइंट एक बार इधर जाएगा। अगर यहाँ दो नंबर रहेगा, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं दो नंबर है, दो डिजिट है, तो पॉइंट इसका दो बार इधर जाएगा। इसका पॉइंट हम हटा देंगे, इसका पॉइंट रखेंगे। जैसे कि लास्ट टर्म में इससे पहले जो एक्सरसाइज था उसमें पॉइंट वाला डिवाइड बनाए थे, उसी तरह से हम इसको बनाते हैं। तो हम इसको 7 रख लेंगे, 7, और यहाँ पर एक डिजिट था तो एक बार पॉइंट इधर जाएगा। तो हम इसको क्या करते हैं, ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पर 1 और इसके बाद पॉइंट देते हैं, फिर 99 देते हैं। अब इसको डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर 7 × 1 = 7 पहले हो गया, 7 × 1 = 7, 10 ही जाएगा इसमें, तो यहाँ पे 3 बच गया और ये 1, तो कितने बार में जाएगा, 7 × 4 = 28 हो गया। तो यहाँ पे कितना हो गया, 3 हो गया, ये कट गया। उसके बाद पॉइंट वाला नंबर लेंगे हम, तो यहाँ पे पॉइंट लगा दिए और 39 हो गया। तो 7 × 7 = 49 होता है, तो ज़्यादा हो रहा है, 7 × 5 = 35, और 7 × 6 = 42 हो रहा है, तो 42 ज़्यादा हो रहा है, 7 × 5 = 35 ले लेते हैं। यहाँ से कितना हो गया, 4 बच गया, ये कट गया और ये 9, तो 7 × 7 = 49 हो गया, ये 7 आ गया और 49 कम्प्लीटली ये कट गया यहाँ पे। तो इसका आंसर कितना हो गया, 14.57, ये आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग बना लेते हैं। और 3 नंबर में यहाँ पे जैसे कि हम 16 ले लिए, तो यहाँ पे दो डिजिट है, तो 16 का पॉइंट हटा दिए, इसका पॉइंट रखते हैं, दो डिजिट मतलब दो बार चलेगा ये, 1 2 यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो गया, 10.83.2, दो बार यहाँ पे था, तो दो बार हम कर दिए। अब क्या करेंगे, 16 मतलब हमको यहाँ से लेना पड़ेगा, तो 16 × 16 = 32, 16 × 34 = 64, 16 × 96 = 96, 16 × 96 = 112 होता है, 16 × 32 = 64 = 96 = 96, 6 बार में 96 हुआ, 16 × 6 = 96, यहाँ पे 2 हो गया और 10 में से 9 तो 1 हो गया यहाँ पे, अब 3 यहाँ पे लेते हैं, तो 16 × 7 = 112 होता है, तो वही जाएगा 112। अब यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ 1 हो गया और ये कट गया। अब हम पॉइंट वाला नंबर लेंगे 2, तो यहाँ पे पॉइंट आ गया, तो फिर 7 बार में 112 तो आ ही रहा है, तो 112 ये कम्प्लीटली कट गया। इसका मतलब इसका आंसर कितना आ गया, 667.7, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट लेते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, 5। तो यहाँ पे इसको लेते हैं 31 और इसको, यहाँ पे देख रहे हैं पॉइंट के बाद 1 2 3, तो 1 2 1 0 लगेगा, तो यहाँ पे देते हैं कितना, 4 7 और 0, यहाँ पे इसको डिवाइड करते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा 31, मतलब 31 लेते हैं, तो यहाँ पे 3 डिजिट में जाएगा, तो 3 × 4 = 12 होता है, तो 3 × 2 = 6 उतने बार में जाएगा। यहाँ पे देखते हैं ये 2 बार में, तो कितना हो गया, 2 × 2 = 6, 2 × 3 = 6, और 3 बार में कितना जाएगा, ये 3 कितना हो रहा है, ये 3 × 3 = 9, तो मतलब 3 बार में जाएगा यहाँ पे, 3 और 3 × 3 = 9 इतने ही बार में जाएगा। इससे ज़्यादा जाते हैं तो 3 × 4 = 12, इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पर हम 3 बार में जाते हैं, 3 कितना हो गया, 93, तो इसको माइनस कर लेते हैं, 4 यहाँ 1 हो गया, 9 × 2 = 11, तो यहाँ 2 हो गया, ये कट गया, और यहाँ पे 7 ले लेते हैं, फिर यहाँ पे कितना हो गया, 3 × 7 = 21, 7 बार में, 6 या 7 बार में जाने की संभावना है, तो यहाँ पे हम 7 बार में ले लेते हैं पहले, 7 × 7 हो गया, और 3 × 7 = 7, 3 × 21 मतलब करेक्ट आ ही जा रहा है, तो कितने बार में आया, 7 बार में, 7 तो 2 × 17 कट गया ये पूरी तरह से। अब नीचे में क्या आएगा, 0 आएगा, तो ये 0 यहाँ चला जाएगा, मतलब इसका आंसर जो है ये हो जाएगा 370, ये इसका आंसर हो गया। इसको मिटा लेते हैं। अब यहाँ पे सिर्फ हम 9 लेंगे, 9 से डिवाइड करना है, और क्या है ये है कितने बार में जाएगा, तो 1 2 3 4, 4 डिजिट इधर है, मतलब 4 बार ये जाएगा, 1 2 3 4 कम्प्लीटली ये नंबर आ जाएगा, पॉइंट कहीं भी नहीं रहेगा, तो 1 3 0 5 6 3 ये हो गया 9,
नाइन टू जो 18 हो जा रहा है तो 9 वन जो 9 जाएगा, कितना हो गया 4, ये कट गया, और यहाँ पे 0 तो 9 फोर जा 36, कितना हो गया 4, कट गया, और यहाँ पे आ गया 5, 9 फाइव जा 45, 45 ये कट गया तो 5, और यहाँ पे 6 आ गया, तो 6 आ गया तो जाने वाला तो है नहीं, तो यहाँ पे 0 आएगा तब ये 3 आएगा, तो 97 जा 63, ये हो गया 63 पूरी तरह से कट गया। आंसर क्या हो गया 14507, ये हो जाएगा इसका आंसर।